यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप सूजी। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा होगा तो अच्छा है। साथ में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून और स्वाद के हिसाब से इसमें डालेंगे नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। यदि आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। ज़्यादा कड़क रखेंगे तो सूजी अच्छे से नहीं फूलेगी और ज़्यादा नरम रखेंगे तो बहुत अच्छे से भटूरे हमारे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए ऐसा नरम है। अब इस पर लगाएंगे ऑयल। अब हम इसे ढक करके रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसमें से जितने बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से लोई तोड़ लेंगे। तकरीबन 1 नींबू के साइज़ की लोई ज़रूर बनाएं। बहुत ज़्यादा छोटे अच्छे भी नहीं लगते। ये आपको पसंद हो तो छोटे बनाइए। देखिए इस तरह हम लोई बना लेंगे। तो ये हमने सभी लोई बना के तैयार कर ली है। इसे रखते साइड में। इधर हम ये पटला ले लेते हैं एक। इस पे लगाएंगे ऑयल और बेलन लिया है हमने। इस पे भी हम तेल लगा देंगे इस तरह। इसमें से एक लोई उठाएंगे उसे इस तरह आप तेल लगा के इस तरह बेल लें। ये थोड़ा सा बड़ा बेलता है और ये जब उठाते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इस तरह आप इसे अच्छे से बेलें और पतला बेलें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखें। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। आप इसे गोल या थोड़ा सा ओवल शेप में कैसा भी बेल सकते हैं। ये देखिए बस ये हो गया तैयार। उधर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पे। तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल के देख लेते हैं तेल कितना गर्म है। तेल इसमें अच्छा गर्म चाहिए तो अच्छा गरम तेल हो चुका है। देखिए फटाफट से ऊपर आ चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम पे रखें। ये देखिए इस तरह डाल दें इसे। ये देखिए फटाफट से ऊपर आ गया और फूल भी गया है। हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे भटूरे बनकर तैयार है। इसे निकाल लेते हैं। फटाफट बनता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। ये देखिए ये दूसरा भी बहुत अच्छे से फूला है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे फूले फूले से भटूरे बनकर के तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं, इसी तरीके से बनाएं। और मैंने बनाए हैं इनको छोलों के साथ। तो आप छोले की रेसिपी भी अगर देखना चाहते हैं तो मैं इसकी जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ रेसिपी। बहुत ही मज़े के बने हैं ये छोले भी। तो आप ज़रूर बनाएं एक बार छोले भटूरे और इसी तरीके से बनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।